गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम आपको राजमा बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं। मेरे तरीके से इस राजमा को अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसको मैंने मॉर्निंग में इसको मैंने सोक कर लिया था, आधा किलो राजमा है। और अब मैंने इसमें प्रेशर कुकर में इसको डाल के और इसमें एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच नमक यानी कि स्वाद अनुसार नमक डाला। और इसके बाद अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। तो आप इसको इसका कवर लगा के अब मैं इसको दो सीटी आने के बाद फिर धीमी आंच पे इसको आधे घंटे पका लूँगी। उसके बाद मैंने एक प्याज ले ली है और उसको छील के काट लिया है, मतलब काट रहे हैं। और उसके बाद ये लहसुन भी छील लेंगे। और ये पूरा मैंने एक कोटी लहसुन लिया है और एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से क्लीन कर लेनी है, फिर अलग कर दिया है। और पांच टमाटर लिए हैं बड़े साइज के। और उसके बाद हम इसको भी कट कर लेंगे। बहुत ज्यादा फाइन करने की जरूरत नहीं है, मतलब अच्छे से बस इसको कट कर लीजिए। फिर उसके बाद हमें रेड चिली पाउडर एक चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच और तीन से चार लौंग लेना है। और उसके साथ स्टार एनीस जो होता है वो थोड़ा सा उसका टुकड़ा एक ले लेना है। उसके बाद दालचीनी हमें लेना है तीन से चार, इस तरीके से दालचीनी लेना है। और तीन इलायची लेना है और नमक हमको स्वाद अनुसार लेना है। ये सारे स्पाइसेस हैं और ये सारे जितने भी मैंने ये कट किया है, अदरक एक इंच, अदरक लहसुन और प्याज, इसको हम एक मिक्सी जार में और टमाटर डाल के एक साथ पीस लेंगे। मिक्सी जार में एक ले लिया मैंने और इसको सारे जितने भी स्पाइसेस हैं इसको अच्छे से हमें पीस लेना है। जितना भी है सब कुछ एक साथ मिला देना है, कुछ अलग से नहीं करना है। और सब सारी चीज़ें इसको हमने एक साथ मिला दी। और टमाटर बहुत फाइन भी नहीं काटना था क्योंकि इसको पिस नहीं है, तो इसलिए इसको बहुत फाइन नहीं काटना है। और ये जितने भी स्पाइसेस हैं सिर्फ लाल मिर्च को छोड़ के, और ये जितने भी हैं दालचीनी, लौंग, ये इलायची, ये सारी चीजें हमने मिक्सी जार में डाल दी है। बाद इसको हमें पीस लेना है। इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाना है और बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है। कढ़ाई लेनी है और इसमें ऑयल डालेंगे। तीन चम्मच बड़े चम्मच ऑयल डालना है और इसको भी पकने देंगे। ऑयल जब तक पकता है हम राजमा देख लेते हैं। जब ये प्रेशर इसका निकल जाएगा तो हम खोल के देखेंगे। वैसे राजमा तो बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन फिर भी मैं आधा घंटा इसी चलाती हूँ। मुझे बिल्कुल गला हुआ ही राजमा पसंद है, थोड़ा खड़ा भी खड़ा खड़ा राजमा मुझे पसंद है।
आप लोगों की चॉइस है, आप लोग कितना उसको पकाना चाहते हैं तो आप उसी अंदाज से पका लीजिएगा। अभी हमारा ऑयल हो रहा है, देखिए दोस्तों ये मेरा ऑयल हो गया है। अब इसमें हींग, आधा चम्मच हींग और ज़ीरा डालते हैं, ये कर जाएगा। फिर उसके बाद जो थोड़ी सी प्याज हमने बचाई थी वो भी आप इसमें डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से लाल कर लीजिए। ऑलमोस्ट क्योंकि तेल काफ़ी गर्म था तो ये लाल हो चुका है, और उसके बाद जो ये पेस्ट बनाया था हमने वो भी इसमें डाल देना है। वो डाल के पेस्ट को अच्छे से चला लेना है। तो चलाने के बाद जो थोड़ा सा मिक्सी जार में बचा हुआ मसाला है उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के और ऐसे पानी डाल के हमने इसमें ऐसे डाल दिए हैं। अब इसको तेज आंच पे हम 5 से 10 मिनट तक और भूनेंगे, क्योंकि भूनना ही मेन होता है। और यकीन मानिए ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी मेरे तरीके से बनाई हुई। और इसमें लाल मिर्च पाउडर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और रखा था, ये देखिए लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है। और उसके बाद मैं ये नमक भी डाल देती हूँ जी। फिर मुझे इसको भूनना है, काफ़ी देर तक इसको हम भूनेंगे, 5 से 10 मिनट तक हमें इसको भूनना है तेज़ आंच में। देखिए ये मेरी जो रेसिपी है उसका कलर देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा कलर है। जितना आप भूनेंगे उतना अच्छा होगा। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, 5 मिनट को भूनने में। अब इसमें हम ये राजमा जो हमने उबाले थे वो हम डाल देते हैं, ये इतने सारे राजमा हम इसमें डाल देते हैं और इसको चला देते हैं। बाद इसमें नमक थोड़ा और चख के देखिएगा कि आपका नमक इसमें सही है या नहीं है। नमक जो है वो मतलब स्वाद अनुसार ही डालना है, मतलब अगर आपको ग्रेवी इसकी सूखी रखनी है तो ऐसे ही धीमी आंच पे इसको पकाइए, और अगर थोड़ी और ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो इसमें पानी मिला लीजिएगा और थोड़ा सा। अब हम इसको ढाँक देते हैं, तो कवर कर दिया है और इसको धीमी आंच में 5 से 10 मिनट पका लीजिए और फिर इसको सर्व कर लीजिए। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं, हमारी ये रेसिपी तैयार है। और यकीन मानिए इसमें आपको राजमा मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतनी ही टेस्टी होगी। देखिए नाज़रीन मेरी डिश आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। इसको आगे बढ़ाने के लिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़।